लोहागढ़ के नाम से प्रसिद्ध भरतपुर की स्थापना सन 1733 में महाराजा श्री सूरजमल जी ने की थी। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल ने राजधानी डीग के अद्भुत जल महलों का भी निर्माण कराया और जाट राजवंश की पताका मुगल काल में फहराई। स्थानीय छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्हीं जनप्रिय शासक के नाम पर महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2012 में की गई। भरतपुर के महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय के एक भवन से अपनी शुरुआत करने वाला ये विश्वविद्यालय आज अपनी विकास यात्रा के पथ पर सीमित संसाधनों में भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ अन्य विश्वविद्यालयों के मध्य सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रहा है। प्रोफेसर के डी स्वामी जी को विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त कर शिक्षा के इस मंदिर की मजबूत नींव रखने का पावन कार्य सौंपा गया। प्रोफेसर स्वामी ने विश्वविद्यालय में विभिन्न पद राज्य सरकार से स्वीकृत कराए और प्रशासकीय कार्यों को गति देने की नियत से एक उप कुल सचिव और दो सहायक कुल सचिवों की नियुक्ति राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के मानकों के अनुरूप की। आपके कार्यकाल में ही कुम्हेर कस्बे के चक सकीतरा में विश्वविद्यालय को शासन द्वारा भूमि आवंटित हुई। दूसरे पूर्णकालिक कुलपति के रूप में प्रोफेसर अश्विनी कुमार बंसल जी की नियुक्ति जनवरी 2017 में हुई। आपने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास को गति देने के प्रयास स्वरूप सत्र 2017-18 में विधि और कला विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रमों के साथ ही 17 विषयों में शोध कार्य भी आरंभ किया। प्रोफेसर बंसल के कार्यकाल में ही जहां एक ओर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 30 पद स्वीकृत किए गए, वहीं RSRDC द्वारा भव्य परिसर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर बंसल के निर्देशन व कुल सचिव डॉ. राजेश गोयल के कुशल नेतृत्व में 28 जून 2019 को विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह जी ने वर्ष 2017 व 2018 के कुल 57 छात्र छात्राओं को स्वर्ण व रजत पदक एवं स्नातक व स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की। फरवरी 2020 में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र जी के द्वारा विश्वविद्यालय के तीसरे कुलपति के रूप में प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह धाकरे की नियुक्ति की गई। अनुभवी एवं ईमानदार छवि के लिए पहचाने जाने वाले प्रोफेसर धाकरे ने अपना पदभार ग्रहण करते ही प्रथम लक्ष्य के रूप में वार्षिक परीक्षाओं का निर्विवाद आयोजन तथा सफलतापूर्वक कराने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य किया। आपके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रथम बार वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, शिक्षक एवं कार्मिक एक परिवार के रूप में COVID-19 वैश्विक महामारी में भी छात्र हित साधन के लिए समर्पित हैं। लॉकडाउन के दौरान भी आपने विश्वविद्यालय को जीवंत बनाए रखा। अपने विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अतिथियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय ने राज्य में पहली बार जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, प्रशासकों को शामिल करते हुए सेफ कैंपस टास्क फोर्स का गठन किया। राज्य भर में लॉकडाउन में सर्वप्रथम पहल कर ब्रज विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए घर पर सुरक्षित वातावरण में ही इंटरनेट व मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ कराई गई। कक्षाओं के सुगम संचालन के लिए सभी विद्यार्थियों को इंटरनेट डाटा रिचार्ज की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। प्रोफेसर धाकरे जी ने ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था को समय की मांग बताते हुए इस करिकुलम में शामिल करने का सुझाव UGC एवं राज्य सरकार को भेजा। विश्वविद्यालय स्वयं के सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन की स्थापना करने जा रहा है। हाल ही में विश्वविद्यालय ने माननीय कुलाधिपति के निर्देश पर 3 नए गांवों को गोद लेकर उनके विकास के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया है। विश्वविद्यालय द्वारा इन गांवों के विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना, पुस्तकालय की स्थापना, छात्राओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की व्यवस्था, विधवा व निराश्रित महिलाओं के लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था जैसे मूलभूत कार्य किए जाएंगे। नवीन परिसर का लोकार्पण कराया जाना पदभार ग्रहण करने के समय से ही कुलपति धाकरे जी की प्राथमिकता में रहा। आपने नवीन परिसर में लगभग 2000 की संख्या में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है, जिसमें से लगभग 1400 पौधे लगाए जा चुके हैं।
आपने विश्वविद्यालय के वर्तमान और नवीन दोनों ही परिसरों में पक्षियों के पानी पीने के लिए जल परिणों की व्यवस्था कराई है। कुलपति महोदय की जनकल्याण की सबसे महत्वाकांक्षी योजना विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक मॉडल स्कूल की स्थापना करना है। इस स्कूल को देश की गुरु शिष्य परंपरा के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने का केंद्र बनाने का पवित्र उद्देश्य रखा है। ढाकरे सर ने सत्र 2020-21 से एमए पॉलिटिकल साइंस, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स और दो डिप्लोमा जैसे नए पाठ्यक्रम की शुरुआत के साथ ही विश्वविद्यालय शैक्षणिक समृद्धि की ओर अग्रसर है। एक कक्ष से आरंभ हुआ महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय आज एक विशाल प्रांगण के भव्य भवन में प्रवेश करने जा रहा है। विश्वविद्यालय के दूरगामी विकास की योजना में वर्तमान भवनों के विस्तार, कुलपति सचिवालय, अधिकारियों के आवास, छात्रावास, ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर, इंडोर कोर्ट, बहुउद्देशीय एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण शामिल हैं। नवनिर्मित परिसर में बैंक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम, हेल्थ सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि स्थापित करने की भी योजना है। विश्वविद्यालय के सतत विकास के लिए कुल सचिव नियंत्रक श्री सीपी राजन, उप कुल सचिव डॉक्टर अरुण पांडे, सहायक कुल सचिव डॉक्टर फरवर्ड सिंह, सहायक कुल सचिव श्री प्रशांत कुमार के रूप में कुशल और समर्पित अधिकारियों की टीम दिन रात तत्पर रहती है। 154 राजकीय और निजी महाविद्यालयों के 1,00,000 से अधिक विद्यार्थियों को संबल देता हुआ ये विश्वविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता के पथ पर हर क्षण हर दिन अग्रसर है। हम रहें न रहें, तुम रहो न रहो, कारवां है कि चलता रहे, आए जो मुश्किलें राहों में कितनी ही, ये जलसा है कि बस सजता रहे, सजता रहे। जय हिंद।